जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने इस चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 11 बीके का क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर डेटेड 2019 जून फर्स्ट। First transaction is started business with cash ₹50,000, bank ₹1 lakh और goods of rupees worth 50,000. Okay, all these are capital. Fifth, purchase goods from Mohan on credit 80,000 at 10% trade discount. Okay, easy है। Ninth, sold goods to Urmila 30,000 at 5% trade discount. ये भी simple है। Fifth, paid to Dena Bank 40,000. ये भी simple है। गुड्स वर्थ रुपीज़ 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये भी बहुत इजी है। पेड फॉर कमीशन रुपीज़ 5,000 टू आनंद, ये भी सिंपल है। रिसीव्ड रुपीज़ 28,000 फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट बाय डेबिट कार्ड, ये भी बहुत सिंपल है। रिसीव्ड 28,000 फ्रॉम उर्मिला, ठीक है, ये एंट्री हमने रीड किया और क्या बहुत सिंपल है। 29, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 9,000। परचेज लैपटॉप for rupees 20,000 at the rate of 28% GST and amount paid by NEFT that is on the bank from bank. Okay, let's begin with this problem. So सबसे पहले आप क्या करिए, एक जर्नल एंट्री का स्पेसिफिक फॉर्मेट बना लीजिए लगभग 2 पेजेस का, और उसके बाद हम एक एक प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स बिगेन। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर पुट किया हुआ है, वो आपको भी करना है। फिर इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर जर्नल एंट्रीज डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ये है हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक एंट्री पास करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको डेट किस तरह डालना, सबसे पहले हमें ईयर डाल लेना है, उसके बाद मंथ एंड उसके बाद डेट। तो 1 जून का एंट्री बनता है हमारा यहाँ पर। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ रुपीज़ 50,000, सो कैश 50,000, बैंक 1 लाख और गुड्स वर्थ रुपीज़ 50,000। सो इन द बिजनेस डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो जो बिजनेस में हमारे आ रहा है हम सब क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, गुड्स अकाउंट डेबिट 50,000। ओके ओके, या फिर इस गुड्स को हम एक और नाम दे सकते हैं यहाँ पर, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू। अभी देखो ये सब अमाउंट ला कौन रहा है, ओनर ला रहा है बिजनेस का, दैट इज ऑल दिस आर कैपिटल। ओके, सो टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 2 लाख। नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बैंक एंड स्टॉक ऑफ गुड। उसके बाद 5th, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज़ 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हम लोगों ने क्या किया, मोहन से गुड्स परचेज किया 80,000 का। तो परचेज करने का एंट्री क्या होता है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो पार्टीज अकाउंट। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं परचेसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, यानी पार्टी कौन है यहाँ पर, मोहन, तो टू मोहन अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा, तो देखो यहाँ पर हम कैलकुलेशन दिखा देते हैं, नहीं नरेशन में लिखते हैं पहले हम, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट यहाँ ब्रैकेट में हम शो कर लेते हैं 80,000 का 10%। ओके, तो 80,000 का 10% आएगा 8,000। अब 8,000 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आएगा अमाउंट 72,000। याद रखो माय डियर फ्रेंड्स, हम ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्री में शो नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिख रहा है 8,000 का, बट अमाउंट सब्ट्रैक्ट होता है। ओके, देन 9 सोल्ड गुड्स टू उर्मिला ऑफ रुपीज़ 30,000, तो ये क्रेडिट सेल का एंट्री है और 5% इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट, तो हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जर्नल एंट्री हम पास कर लेंगे, यहाँ पर सेल्स का है, तो पार्टीज अकाउंट डेबिट, यानी उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,500। 1,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30,000 में से, कितना आ जाएगा 28,500। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट तो करेंगे बट उसे जनरल एंट्री में शो नहीं करेंगे। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू उर्मिला एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट अलाउड या फिर गिवन। 12 पेड टू देना बैंक, देना बैंक इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से कैश जाएगा, तो देना बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट इज 40,000 टू कैश अकाउंट 40,000। नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट डेटेड 15th गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट, तो एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट इज आवर एक्सपेंस, सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, और यहाँ पर हम एक और अमाउंट स्लैश करके लिख सकते हैं टू, या तो परचेसेस अकाउंट लिखना या तो डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट भी लिख सकते। ओके, अमाउंट इज 5,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 22 पेड फॉर कमीशन, commission is our expense and as per nominal account rule debit all expenses and losses, commission account debit to cash account, credit was goes out, amount is 5,000 being commission paid। Narration then 24 रिसीव 28,000 फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट, तो ऐसा अगर आपको एंट्री कोई भी मिलता है फुल सेटलमेंट वाला, तो आपको इससे पहले चेक कर लेना है उससे हमें कितना रुपए पे करना था या कितना रुपए हमने उससे पर्च लिया हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो डेटेड ऑफ 9th उर्मिला अकाउंट डेबिट है 28,500 से, तो उर्मिला को हम क्रेडिट भी करेंगे 28,500 से। ओके, सो लेट्स सी द एंट्री, क्या है एंट्री, रिसीव 28,000 फ्रॉम उर्मिला, उर्मिला से हमें कैश रिसीव हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी उर्मिला से हमें डेबिट कार्ड रिसीव हुआ है, सो डायरेक्ट इन द बैंक अकाउंट, सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 28,000। अब उर्मिला से लेना कितना था हमें 28,500, लेकिन मिला कितना 28,000, मीन्स 500 हमने उसे क्या अलाउ किया, डिस्काउंट। और डिस्काउंट अलाउ क्या होता है हमारे लिए, एक्सपेंस होता है। यहाँ पे क्या डेबिट हो जाएगा, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू उर्मिला अकाउंट। उर्मिला इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर टू उर्मिला अकाउंट। कितने से क्रेडिट हो जाएंगे, 28,500 से। अंडरस्टूड। यहाँ पे लिखेंगे नरेशन, बीइंग रिसीव्ड फॉर उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। ओके, देन 24th के बाद 29th पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट रिटर्न। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट 9,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। 30th परचेस लैपटॉप फॉर ₹20,000 एंड 28% GST। सो परचेसेस ऑफ लैपटॉप है ना, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट। जब भी हम एसेट परचेस करेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, लैपटॉप अकाउंट डेबिट। जीएसटी हम पे कर रहे हैं 28%, तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब माय डियर फ्रेंड्स, लैपटॉप है 20,000 का, अब इसमें कितना है 28% GST, यानी 14% CGST और 14% SGST। तो 14 × 2 = 28, यानी 2,800। इतने का क्या लग जाएगा पूरा हमारा GST, और ये सब ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा टोटल अमाउंट 0,88,16,224,5 एंड कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स 25,600। तो ये हमारा क्या हुआ, लैपटॉप परचेस करने का कॉस्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सम्स। ओके, अगर आपको सम्स अच्छी तरह समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।